हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड आज हमारे इंडियन फुटबॉल टीम का सेकेंड मैच डे होने वाला है इन द एएफसी एशियन कप 2023। और आज का जो ओपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी टीम जिसको डार्क हॉर्सेस बनाया जा रहा है। यस, उनका जो पहला स्टार्ट था, पहला जो शुरुआत थी इन द एएफसी एशियन कप, वो अच्छी नहीं रही थी। लेकिन मैं बात करूं उज्बेकिस्तान के साथ, आज इंडिया वर्सेस उज्बेकिस्तान का मैच होने वाला है 18 जनवरी 8 बजे ओनली ऑन स्पोर्ट्स 18 एंड जियो सिनेमा। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बिकॉज दोनों टीम्स को पॉइंट चाहिए यहाँ पर। यस, उज्बेकिस्तान आर द फेवरेट्स टू विन दिस मैच, बट अगर आप बात करें दोनों टीम्स को विन चाहिए, या तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे तो ड्रॉ चाहिए, बट उज्बेकिस्तान को विन चाहिए। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भाई इंडिया का अप्रोच कैसा होना चाहिए, क्या लाइनअप में चेंजेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उज्बेकिस्तान टीम कैसे खेलेगी और उनके प्लेयर्स उनके कौन से प्लेयर्स है जिससे हमें खतरा हो सकता है। सो आइए बात करेंगे और प्रीव्यू करने की कोशिश करेंगे हमारे मैच की। सो पहले बात करते हैं हमारे अपोनेंट्स के बारे में, एंड उज्बेकिस्तान के बारे में बात करें तो उज्बेकिस्तान का पहला मैच था अगेंस्ट सीरिया ये एएफसी एशियन कप में, और जो उज्बेकिस्तान थी वो फेवरेट्स टू विन द विन अगेंस्ट सीरिया। और वो वाले मैच में अगर देखोगे, दे डिडंट टेस्टेड द गोलकीपर, समझ रहे, तो वो लोग शॉट्स ले रहे थे बट वो लोग गोलकीपर को टेस्ट नहीं ले पा रहे थे, एंड दैट वाज अ फ्रस्ट्रेटिंग ड्रॉ। और वो ड्रॉ के बाद क्या हो जाता है कि यार अगर आप बात करें, दे आर अंडर प्रेशर, मतलब बिकॉज दे हैव टू विन दिस मैच। यस, उनसे उनके जो कोच है, उन कोच से पूछा गया था कि भाई क्या उज्बेकिस्तान अंडर प्रेशर है, तो कोच ने बोला कि नहीं यार, इट इज जस्ट अ नॉर्मल गेम, और इसको हम लोग नॉर्मल गेम की तरह ट्रीट करेंगे। हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि यार वी हैव टू विन दिस गेम। यस, विन इज मस्ट, बट हम लोग अंडर प्रेशर नहीं है। लेकिन अगर देखोगे ओवरऑल सर्कमस्टेंसेस को देखोगे, दे आर अंडर प्रेशर, बिकॉज अगर बात करें उनका जो नेक्स्ट मैच है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, तो वो थोड़ा टफ मैच होगा। सो दैट्स व्हाई दे विल बी लुकिंग कि इंडिया के साथ आज हमें कैसे न कैसे करके जीतना है। और अगर बात करें वो मैच के बाद दे वर सीरियस इंजरीज वगैरह, तो ऐसा नहीं कि यार उज्बेकिस्तान आर अ फुल टीम, बट बात करें उनकी भी इंजरीज है, तो उनके 2 से 3 प्लेयर्स अगर आप बात करोगे कि भाई हम लोग को खतरा दे सकते हैं, तो आइए 2 से 3 प्लेयर्स के बारे बात करेंगे। जिसमें भाई पहले आते हैं जलालुद्दीन मशरूफ, ठीक है, नाम का थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। तो भाई ये ज्यादा करके लेफ्ट फ्लैंक पे ऑपरेट करते हैं, और अगर आप बात करें हिज टू गुड इन द अटैक्स, तो हमारे जो फुलबैक्स है, ठीक है, एंड एक जो खासियत है ये उज्बेकिस्तान टीम की कि दे आर रियली क्विक, ठीक है, अगर आप सही से फोकस या कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहोगे, दे विल बी जस्ट आउटपेस यू, आपको हरा देंगे आराम से स्पीड वगैरह। तो वी हैव टू रियली थिंक, और हमने को ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी इतनी आराम से खेली थी, वैसा नहीं, दे आर रियली क्विक, आपको काउंटर स्पीड कर सकती है, तो यू नो दे कैन जस्ट आपका आपके डिफेंस को तोड़ सकती है। सो दैट्स व्हाई अगर आप बात करें जलालुद्दीन मशरूफ का, इज वेरी गुड, और आप वन ऑफ द एक्सपीरियंस प्लेयर है, एंड लेफ्ट फ्लैंक पे ऑपरेट करता है, और साथ ही साथ सेट पीसेस जो है, ठीक है, सेट पीसेस पे भी आपको मुश्किल डिफिकल्टीज हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। बात करें जो दूसरा प्लेयर यहाँ पर, जीआरओ से ऑस्टन उरुनो, ठीक है, ये ऑस्टन उरुनो भाई ये फॉर्म तगड़ा है भाई, ये बंदे का जो फॉर्म है वो बहुत तगड़ा है। ये प्राइमरीली अगर आप बात करें उसका विंगर पोजिशन ही है, बट रीसेंट गेम्स में वो फॉरवर्ड खेल रहा है, ठीक है, रीसेंट गेम्स में वो फॉरवर्ड खेल रहा है। और इसका फॉर्म के बारे में बात करें, मैं क्लब फॉर्म के बारे में बात करूं, ये 9 बॉल का टीम है, ठीक है, एएफसी चैंपियंस लीग में भाई ने 3 गोल्स मारे थे एंड 2 असिस्ट दिया, तो ही इज टॉप नॉच एंड बहुत अच्छे फॉर्म में ये ऑस्टन उरुनो, तो ही विल बी अदर प्लेयर टू वॉच आउट कि ये हम लोग को डिफिकल्टी स्प्रेड कर सकता है। बाकी एक और जो प्लेयर है अगर बात करेंगे, ओबेटेक शुक्रो, ठीक है, ऑटेबेक शुक्रो, ये बात करें ये मिडफील्डर है, और ये एक मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर, ठीक है, सेकंड मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है ये पूरे स्क्वाड में, और ये एक मिडफील्डर है, तो बाय ही बी आल्सो इंपॉर्टेंट। एंड अगर बात करें इनके फॉर्मेशन के, ठीक है, उज्बेकिस्तान का जो यूजुअली फॉर्मेशन रहता है, इट्स प्रॉपर 3-4-3, ठीक है, तो लास्ट जो गेम था सीरिया के साथ वो लोग ने 3-4-3 था, बट आई गेस मुझे डाउट आ रहा है कि यार देखो ये मैच उनको जीतना है, तो दे विल गो ऑल आउट, ठीक है, उनको ऑल आउट जाने की कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि उनको चाहिए 3 पॉइंट्स, हमें तो ड्रॉ चाहिए चलेगा, बट उनको चाहिए 3 पॉइंट्स। दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि एक अटैकिंग फॉर्मेशन खेल सकते हैं, बट यूजुअली इनका जो फॉर्मेशन होता है इट इज 3-4-3। एंड एक जो चीज जैसे कि मैंने बोली, दे आर रियली पेसिंग, और आपने को बोलते हैं स्पीडी है बहुत है, तो आपको अगर आप अटैक करने जा रहे हैं तो वी हैव टू एक ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई ये लोग काउंटर अटैक पे भी मार सकते हैं, बिकॉज दे आर टू स्पीडी एंड उनका पेस बहुत खतरनाक है। आप आ जाते हैं हमारे टीम के ऊपर, जीआरएस इंडियन फुटबॉल टीम पे, एंड इगो स्टीमैच पूछा गया था भाई कि क्या चेंजेस देखना चाहोगे, और उसने बोला यस देयर विल बी चेंजेस इन द टीम। और अगर आप लाइनअप के बारे में बात करेंगे हमारी, ठीक है, तो हमने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का गेम खेला था, हम सबको था कि वी डिड डिफेंसिव पार्ट वेरी गुड, हमने अटैक किया था, बट स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट में किया था ब्लैकआउट, बट हम लोग ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो इंडिविजुअल एरर से अपन हार गए थे, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे, बहुत लोग जो बोल रहे, ठीक है, बहुत लोग ऐसा सोच रहे कि यार देखो उज्बेकिस्तान ने ड्रॉ किया सीरिया के साथ, तो हम लोग क्यों नहीं ड्रॉ कर पा रहे, ऑब्वियसली बट वी हैव अ चांस, बट मेरे हिसाब से अगर बात करें उज्बेकिस्तान विल बी लाइक कि हमें ऑल आउट करना है,
तो अगर जिस तरीके से हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ अटैक किया था तो उसी तरह से हम लोग को सॉरी डिफेंस किया था ऑस्ट्रेलिया में, हमने जिस तरह से खतरनाक डिफेंस किया था तो वैसे ही डिफेंस करना पड़ेगा। बट यहाँ पर मेरी एक जो ख्वाहिश रहेगी, या तो हमें एक चीज करनी पड़ेगी कि हमें अटैक करना पड़ेगा, ठीक है, वी हैव टू बी रियली ब्रेव और हमें बॉल होल्ड करके हमें अटैक करना पड़ेगा एंड दैट्स व्हाई वी विल बी नीडिंग द बॉल प्लेइंग मिडफील्डर्स, ठीक है, जो बॉल चला सके। और अगर आप बात करेंगे हमारे जो भी पासिस है, ठीक है, हमारे पासिस क्या होते हैं, बैक पास ही होते हैं। और देखो जब आप बैक पास करते हैं कोई गुनाह नहीं, बट बैक पास जैसे आप करते हो तो पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी कि आप आगे बॉल डाल सको, एक प्रोग्रेसिव पास कर सको, सो दैट हम लोग उनके हाफ में जा सके, बट क्या होता है कि हम लोग पीछे कर देते हैं एंड देन वो पूरा मोमेंटम उनके जो प्लेयर्स है हमारे हाफ में आ जाते हैं एंड हमारे ऊपर ही प्रेशर होता है। सो दैट्स व्हाई आई विल बी सिलेक्टिंग द प्लेयर्स जो बॉल पे अच्छे हो। और आई बिलीव कि हमें ये वाले मैच में ब्रे होना पड़ेगा, बिकॉज देखो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली तीन मैच खेलने वाले, ठीक है, तीन मैच में से अगर आप दो मैच में डिफेंड करते रहोगे तो मतलब है ना अटैकर्स आपके वेस्ट रहे। सो दैट्स व्हाई ये मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको फुल ऑल आउट अटैक जाना है, ठीक है, अगर आप ऑल आउट अटैक गए, आप अटैक पर अटैक कर रहे थे, ठीक है, यू मे गेट सक्सेस, बट भाई देयर इज अ चांसेस कि वो लोग अपना धागा खोल देंगे एंड दे विल बी हिटिंग 3-4 गोल्स। सो हमें स्मार्टली रहना है, जब भी चांस मिल रहा है काउंटर अटैक करना है और जो मेन प्राइमरी एम रहेगा वो तो हमारा बोल सकते कि डिफेंस ही रहे, ठीक है। और अगर आप बात करोगे, मैं इतना बोल सकता कि अगर हम लोग जितना ज्यादा टाइम तक नील नील तक रख सके, ठीक है, नील नील तक रख सके उज्बेकिस्तान को, तो जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम फ्रस्ट्रेट हुई थी ना उससे कई ज्यादा गुना उज्बेकिस्तान फ्रस्ट्रेट होगी और दे विल बी मोर डेस्परेट बिकॉज उनको चाहिए 3 पॉइंट्स, दे विल नॉट बी हैप्पी विद 1 पॉइंट, ठीक है, वी विल बी हैप्पी विद 1 पॉइंट बट वो हैप्पी नहीं रहेंगे विद द 1 पॉइंट। सो दैट्स व्हाई दे विल बी गोइंग ऑल आउट और जितना टाइम तक हम लोग उनको फ्रस्ट्रेट कर पाएंगे, स्कोर को नील नील रखेंगे ना, तो उतना टाइम तक वो लोग डेस्परेट होंगे और वो लोग बोलेंगे फ्रस्ट्रेट होंगे, दे विल नीड बैडली टू स्कोर अ गोल। सो दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लगता है। एंड लाइनअप के ऊपर अगर आएंगे तो लाइनअप में देखो गुरप्रीत सिंह संधू ये कल स्टार्ट करेगा मेरे हिसाब से, यस उसने इंडिविजुअल एरर किए थे बट आई डू थिंक सो कि भाई वो ही स्टार्ट करेगा, ही इज अ परफेक्ट मैन। एंड डिफेंस में जैसे कि देखो न्यूज आ रही थी कि आकाश मिश्रा स्टार्ट करेगा एंड मुझे पर्सनली लगता है कि आकाश मिश्रा स्टार्ट करना चाहिए। यस आई नो डिफेंसिवली बेटर सुभाषिस बोस थोड़ा अच्छा है बट आई नीड वन मैन जो चांगटे को सपोर्ट कर सके, ठीक है, चांगटे आगे रहेगा तो अगर आपको पता है वो मुंबई में भी चांगटे और जो आकाश मिश्रा है तो वो अच्छा करते हैं, तो वी नीड दैट प्लेयर की जो हमारा जो अटैक जो लेफ्ट बैक है वो आगे अटैक करने के लिए जाए। और आकाश मिश्रा को अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के मैच में ही वॉज गोइंग अहेड, ठीक है, वो बॉल आउट ऑफ रीच जा रही थी बट ठीक है ही वॉज गोइंग अहेड, सो दैट्स व्हाई आई स्टार्ट आकाश मिश्रा जो अपने को अटैक में हेल्प कर सके एंड वो अच्छे से बॉल दे सके चांगटे को जो कि चांगटे फुल भाग सके एकदम स्पीड से जैसे कि भाग रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है, तो दिस इज समथिंग। और बैक फोर तो मेरा सेम ही रहेगा, जस्ट आकाश मिश्रा आ जाएगा सुभाषिस बोस के बदले, बाकी बैक फोर है। अब आ जाते हैं मिडफील्ड में, ठीक है, आई नो दीपक तनी का काफी अच्छा गेम था, अपुया हैड अ डीसेंट गेम टू बी ऑनेस्ट, सुरेश वाज गुड, ठीक है। अभी देखो यू फर्स्ट ये हमें दिमाग में लाना पड़ेगा कि यू कांट गो विद अप 3 डिफेंसिव मिडफील्डर्स बिकॉज फिर आप क्रिएट का क्या करोगे, आप चांसेस कैसे क्रिएट कर पाओगे, तो दैट्स व्हाई ये 3 मिडफील्डर्स में से एक को बरी होना पड़ेगा या तो एक को बैठना पड़ेगा। अभी देखो मैं होल्ड करो जैसे कि मैंने बोला कि हमें बैक पास नहीं करना, वी विल बी नीडिंग द प्लेयर्स हु आर कंफर्टेबल ऑन द बॉल, हु कैन होल्ड अ बॉल और प्रोग्रेसिव पास कर पाए, सो दैट्स व्हाई आई विल गो विद अपुया एंड सुरेश, ये दो बंदे लोग के साथ मैं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों आर कंफर्टेबल ऑन द बॉल और डिफेंस भी कर पाते हैं, ठीक है, ठीके? सुरेश का वर्क रेट इट्स आउटस्टैंडिंग, अपुया का पहला गेम अच्छा नहीं था आई अग्री बट भाई बच्चा है, ठीक है, ही विल डू एंड ही विल कम बैक इन दिस मैच, सो दैट्स व्हाई आई विल स्टार्ट बोथ ऑफ दिस। दीपक तंगरी सी नो हेट बट यार ही इज नॉट दैट गुड ऑन द बॉल, वो डिफेंस वो बहुत अच्छे से कर पाएगा बट बॉल इज नॉट दैट कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल, सो दैट्स व्हाई आई वांट प्लेयर्स जो कॉन्फिडेंट रह सके बॉल पे, इसलिए मैं ये दो के साथ जा रहा हूं। अभी अपने को एक बंदा अच्छा जो क्रिएट कर सके चांसेस, ठीक है, जो डिफेंस को तोड़ सके, जो सेट पीस में अच्छा हो, ठीक है, वो एक मैजिक पास निकल सके जिससे अपना गोल हो जाए, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू चॉइसेस, यू हैव ब्रेंडन और महेश। सी अब देखो अगर ब्रेंडन को स्टार्ट करा ना, नो हेट टू हिम, ही इज गुड, उसका फॉर्म भी अच्छा है, वो गोवा के लिए रिसेंट गेम्स में अच्छा भी कर रहा था और ऐसा नहीं कि भाई वो फॉर्म नहीं, ही इज फिट एंड फाइन, उसका फॉर्म भी है। बट यार देखो महेश को क्यों मैं स्टार्ट कराना चाहता हूँ, क्यों मालूम है क्या? सी महेश इज अ प्लेयर जो आपको डिफेंस में भी हेल्प कर पाएगा, आई एम लिटिल बिट डाउट कि यार आई एम इन डाउट कि यार ब्रेंडन अपने को डिफेंस में हेल्प कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, सो दैट्स व्हाई आई विल गो फॉर महेश। लेकिन अगर ब्रेंडन स्टार्ट करता है तो भी अच्छी बात है, ठीक है, देयर इज नो है, बट आई विल पर्सनली स्टार्ट विद महेश बिकॉज महेश को मैंने देखा है सैफ वगैरह के मैचेस में, पहले के मैच में ही इज लाइक यार वो तीनों अटैकर्स को हेल्प करने की कोशिश करता है, ही प्लेज लाइक अटैकिंग मिडफील्डर और महेश बहुत अच्छा है जो जिस तरह से बॉल कंट्रोल है। हाँ आई नो उसका वो क्वालिटी नहीं देगी वो मैजिक पास निकालने के लिए बट ही इज टू गुड, ठीक है, तो मेरे हिसाब से देयर इज अ टॉस अप, देयर विल बी अ टॉस अप बिटवीन ब्रेंडन एंड महेश, बट पर्सनली आई विल गो फॉर महेश बिकॉज वो डिफेंस में भी अच्छा है एज कम्पेयर टू ब्रेंडन। बाकी ब्रेंडन खेलता है नो हेट, बाकी देखो फ्रंट थ्री तो अपनी सेम रहेगी, ठीक है, अपनी फ्रंट थ्री तो सेम रहेगी, चांगटे मनवीर एंड अपना सुनील सर एंड लेट्स होप। देखो मेरा तो ये मैच से एक होप है कि यार ड्रॉ जाए, सी रियलिस्टिकली अगर देखोगे इफ यू डिफेंड वेल
हम इंडिविजुअल एरर्स ना करें, ठीक है, हम स्मार्ट होके हमारे अटैक्स बना पाए और हम काउंटर्स पे हिट कर सके उनको, वी कैन रियली बीट देम, या तो बीट नहीं, हम लोग गोल मार सकते हैं एंड वी कैन ड्रॉ द गेम। और एक जो चीज है भाई, मेरे को भरोसा तो नहीं हम लोग स्ट्राइकर्स चांसेस ले पाएंगे, बट एक जो चीज है, अगर आपको चांस मिल रहा है वी हैव टू बरी देम, वी कांट मेक 2-3 चांसेस एंड वी हम लोग मिस नहीं कर पाते, वी हैव टू कन्वर्ट अवर चांसेस। एंड चांगटे कॉन्फिडेंट लग रहा था, मनवीर का भी हाइट काम आएगा, जिस तरह से बॉल होल्ड कर पाते वो काम आएगा, एंड सोनू सर तो खेलेंगे, तो ये मेरे हिसाब से लाइनअप होगी। एंड एक जो चीज है, जैसे कि मैंने बोला, हमें डिफेंस उतना ही करना पड़ेगा जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के गेम में किया था, बट एक जो चीज है कि हमें अटैक होना पड़ेगा, वी हैव टू बी ब्रेव, कोई कोई मोमेंट्स में लग रहा है कि अटैक कर सकते हैं, वी हैव टू बी करेजियस, एंड दैट्स वाई हमें अपने स्मार्ट होके अच्छे से काउंटर अटैक पे हिट करना पड़ेगा। तो अगर आप बात करें प्रिडिक्शंस के बारे में, तो यार प्रिडिक्शंस तो है रियलिस्टिकली सी आई नो कि 1-1 हो सकता है, सॉरी 1-1 हो सकता है, तो आई एम गोइंग फॉर 1-1 ड्रॉ, अ ड्रॉ विल बी गुड फॉर अस, एंड ये ड्रॉ होने के बाद हमारा जो मोरल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज फिर देन हमें मतलब रहेगा कि अगर आप लास्ट मैच जीत जाओगे देन विल बी क्वालिफाइंग, ठीक है, सो दैट्स वाई अ ड्रॉ इज अ गुड रिजल्ट फॉर अस, एंड लेट्स होप फॉर ड्रॉ, लेकिन अगर विन हो जाते तो बहुत बड़ी बात है, बट रियलिस्टिकली आई थिंक सो कि हम लोग 1-0 से 1-1 से हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे। एंड यस गाइस, दिस इज द प्रीव्यू, डू लेट अस नो इन द चैट सेक्शन आपके क्या थॉट्स है, आपको क्या लगता है कि यार कल का आज हाँ सॉरी आज का मैच का क्या होगा, एंड व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस, ठीक है, व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस, डू लेट अस नो इन द चैट सेक्शन, मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखेगा, बाय बाय, टेक केयर, एंड इसी तरह हम लोग फॉलो करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।